Hello everyone, in this video today I will discuss about applied mathematics third jo polytechnic ke second year ke third semester mein padhaya jata hai. Let's start the discussion. Today's topic is matrix R view. R view matrix. सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स आव्यूह होता क्या है और हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशंस. डेफिनेशन परिभाषा कि मैट्रिक्स होता क्या है. जब संख्याओं के समूह को पंक्ति दैट मीन रो तथा स्तंभ दैट मीन्स कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं उसे आप यू कहते हैं. तो जब संख्याओं के समूह पंक्ति रो तथा स्तंभ कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं उसे आव्यूह कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं. रो तथा कॉलम से मिलकर बनी रेखाओं को अरेज कहते हैं. मतलब रो तथा कॉलम से मिलकर जो रेखाएं बनती हैं उन्हें हम अरेज कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम और देख लेते हैं थोड़ा. इसे हम कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं तथा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं. मतलब आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं और उसे बड़े ब्रैकेट में रखते हैं. अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे आव्यूह का. जैसे a इक्वल टू ये
या बी इक्वल टू ये। अब इसमें रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। जो हमारा ये हॉरिजेंटली है, ये हमारा क्या हो गया रो, और ये जो वर्टिकली होता है ये हमारा क्या हो गया कॉलम। मतलब ये हमारी पहली पंक्ति रो और ये हमारा कॉलम हो गया जो वर्टिकली है। ठीक है, अब हम देखेंगे सीक्वेंस क्रम क्या होता है, अवयव का क्रम क्या होता है। किसी अवयव के रो तथा कॉलम, के गुणनफल को अवयव का क्रम कहते हैं। इसे यंग क्रॉस यंग से व्यक्त करते हैं। मतलब अवयव का क्रम क्या होता है, किसी अवयव के रो तथा कॉलम, मतलब ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, इसके गुणनफल को अवयव का क्रम कहते हैं। इसे यंग क्रॉस यंग से डिनोट करते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, ये हमारा अवयव हो गया, तो ये जो हमारा हो गया ये यंग क्रॉस यंग इन रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, उसे हम क्या कहते हैं अवयव का क्रम कहते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेंगे और उसे फिर अच्छे से समझेंगे कि मैथ हमारा जो होता है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कितने हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो इसलिए मैथ्स को समझने के लिए हमें एग्जांपल्स की जरूरत होती है। जितने एग्जांपल्स हम सॉल्यूशन करेंगे उतना ही मैट्रिक्स का, जैसा मैंने बताया कि इसे हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई आपका ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है आई जे, यहां ये जो आई है वो हमारा क्या डिनोट करता है रो, और ये जो जे है वो हमारा क्या डिनोट करता है कॉलम। समझ आया, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डबल मॉड ए आई जे, डबल मॉड। यदि हम यहां सिर्फ एक मॉड का यूज करें, यदि हम यहां सिर्फ एक मॉड का यूज करें तो ये क्या शो करता है हमारा डिटरमिनेंट्स सारणिक, लेकिन हम यहां क्या पढ़ रहे हैं अवयव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम डबल मॉड में रखते हैं। क्लियर, नाउ
so on. M cross N. Here देखिए ये हमारा क्या है रो, ये हमारा क्या है रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड सो ऑन रो. ये क्या है हमारा कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड डज दैट दस सो ऑन. ठीक है, यदि हम ये इस मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स को लेते हैं A 2 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो दूसरे रो तथा दूसरे कॉलम में है, मतलब दूसरे रो तथा दूसरे कॉलम में है. जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या होता है रो और ये कॉलम, तो इससे समझ आया आपको कि ये जो हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट है इस आव्यूह में, ये क्या डिनोट करता है हमारा, कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो दूसरे रो मतलब सेकेंड रो में तथा सेकेंड कॉलम में उपस्थित है. यदि हम एक और एग्जांपल लें, जैसे A12, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, जो ये एलिमेंट है वो फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ये जो टू हमारा क्या डिनोट करता है सेकंड कॉलम, मतलब ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, ये जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में तथा सेकंड कॉलम में है. ठीक है, नेक्स्ट. अब हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितने प्रकार का होता है. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. फर्स्ट टाइप हमारा, वैसे मैट्रिक्स तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन आपको कुछ इस सिलेबस में आपको कुछ ही मैट्रिक्स को पढ़ने हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स को उसके प्रकारों को डिफाइन कर दूंगा. पहले हम उसके टाइप्स को देखेंगे कि वो होते कितने प्रकार के हैं. फर्स्ट हमारा क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह, जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. रो मैट्रिक्स. सेकेंड हमारा हो गया स्तंभाव्यूह, स्तंभाव्यूह दैट मीन्स कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड हमारा हो गया वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारा हो गया विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह. डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारा हो गया इकाई या
तत्समक आव्यूह, जिसे हम यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये टाइप्स ऑफ आव्यूह हैं कि आव्यूह होता कितने प्रकार का है। नेक्स्ट शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा हो गया उप आव्यूह, जिसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सदिश आव्यूह, सदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजीय आव्यूह भी दो टाइप का होता है, एक उच्च त्रिभुजीय और सेकंड हमारा हो गया निम्न त्रिभुजीय। तो ये हमारे कुछ मैट्रिक्स हो गए जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। इतने पूरे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जितने भी पढ़ने हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा।